प्रभा एक अनाथ लड़की थी जिसे एक गरीब औरत ने पाला पोसा था। वक्त के साथ उस बूढ़ी औरत की तबीयत बिगड़ गई। अब वो पहले की तरह लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी। उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। माँ, अब मैं आपकी जगह लोगों के घरों में काम करने जाऊंगी। नहीं प्रभा, तुम्हें पढ़ लिख कर अच्छा काम करना है। तुम लोगों के घरों में काम करोगी तो पढ़ाई कब करोगी? लेकिन माँ, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, वरना हमारा घर कैसे चलेगा? ये सुन वो बूढ़ी औरत कुछ और बोल ना पाई। अगले दिन से लोगों के घरों में काम करने गई। आज से माँ के बदले मैं काम करने आऊंगी। ठीक है ठीक है, लेकिन सब काम अच्छे से करना, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। जी मालकिन। प्रभा ने काम शुरू किया। उसने बर्तन घिसे, फिर कपड़े धोए और फिर उसने घर की साफ सफाई भी की। इतना सब काम करके प्रभा थक गई थी। फिर मालकिन ने प्रभा को पैसे दिए, जो देख प्रभा बोली, सिर्फ इतना ही? ये भी बहुत ज्यादा है, तुमने तो ठीक से बर्तन भी नहीं धोए। प्रभा पैसे लेकर घर चली गई। प्रभा ने बूढ़ी माँ को वो पैसे दे दिए और फिर वो खुद थक हार कर सो गई। अगले दिन प्रभा जब उठी, अरे बाप रे, मैं कल पढ़ाई भी नहीं कर पाई। कल तुम इतनी थक गई थी, पढ़ाई कैसे कर पाती? हाँ, लेकिन कोई नहीं, मैं आज पढ़ाई कर लूंगी। फिर प्रभा वापस काम करने पहुंची। आज भी उसने दिन भर सारा काम किया। वो बहुत थक चुकी थी। उसने पैसे लिए और घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और फिर सो गई। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। प्रभा पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो सुबह उठी और उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी, कम से कम आज मुझे पढ़ने के लिए समय देना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और रोज की तरह प्रभा काम पर चल पड़ी। रास्ते में प्रभा की नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। प्रभा ने देखा तो वो एक पायल थी, जिसे देख प्रभा बहुत खुश हुई और उसने झट से वो पायल अपने पैरों में बांध ली। पायल चमकने लगी। प्रभा अपने काम पर पहुंची और आज उसकी पायल की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि बर्तन और कपड़ों का ढेर था। अरे बाप रे, इतने सारे बर्तन और कपड़े, काश ऐसा हो कि ये सब अपने आप साफ हो जाए। ऐसा बोलते ही प्रभा की पायल चमकी और बर्तन और कपड़े अपने आप धुलने लगे। प्रभा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर प्रभा ने झट से घर में झाड़ू लगाया और एक घंटे बाद वो मालकिन के पास पहुंची। सब काम खत्म हो गया मालकिन। हाँ, इतनी जल्दी? तू झूठ तो नहीं बोल रही? आप खुद ही देख लीजिए। प्रभा की मालकिन ने देखा तो सब कुछ साफ सुथरा था और फिर उसने प्रभा को पैसे दे दिए, जो लेकर प्रभा खुशी खुशी पायल छनकाती हुई अपने घर लौटी। आज इतनी जल्दी? हाँ, सारा काम हो गया और ये सब इस जादुई पायल की वजह से है। प्रभा ने बूढ़ी माँ को पायल के जादू के बारे में बताया। अच्छा है, भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करो। हाँ माँ। और आज प्रभा ने पढ़ाई की। इस दिन के बाद प्रभा को रोज पढ़ाई करने के लिए समय मिल जाता था, अपनी जादुई पायल की वजह से। और इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देते हैं। नानागंज गांव में प्रेमलता अपनी दो बेटियों मानसी और ज्योति के साथ रहती थी। प्रेमलता मछली बेचने का काम करती थी। मैं मछली बेचने जा रही हूँ,
तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? मैं नहीं जा रही, आज मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। जिस दिन मछली बेचने जाओ उस दिन कपड़ों से मछली की बदबू आती है, नाक सड़ जाती है मेरी। मैं भी नहीं जा पाऊंगी, मेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है। माँ, इसने जानबूझकर पैरों में मेहंदी लगाई ताकि आपके साथ मछली बेचने ना जाना पड़े। ज्यादा मत बोल, एक थप्पड़ लगाऊंगी तो दांत बाहर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, लड़ना बंद करो, मैं अकेली ही जा रही हूँ। लौट कर आऊँ तो घर का सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए, वरना दोनों की पिटाई करूँगी। प्रेमलता मछली बेचने निकल पड़ी। मछली वाली, मछली ले लो, ताजा विटामिन से भरपूर मछलियाँ ले लो। प्रेमलता जब रोड पार कर रही थी तो अचानक एक कार प्रेमलता से टकराई। प्रेमलता का एक्सीडेंट हो गया। माँ, ये क्या हो गया? काश मैं आपके साथ मछली बेचने चली गई होती। हमें माफ कर दो माँ। रो मत बेटियों, अब पता नहीं मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी और अपने लिए जीवन साथी भी खुद ही ढूंढना होगा। मैं तुम दोनों को एक एक जादुई मंगलसूत्र देती हूँ। जादुई मंगलसूत्र? जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए उससे किसी तरह ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवा लेना, फिर वो वैसा ही करेगा जैसा तुम कहोगी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मानसी और ज्योति की माँ दोनों को एक एक मंगलसूत्र देकर मर गई। मानसी और ज्योति जादुई मंगलसूत्र लेकर अपने लिए जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। ज्योति ने मानसी से कहा, मानसी तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और मैं पश्चिम की ओर जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं जाना चाहती। कहाँ मैं दूध जैसी गोरी और कहाँ तू कढ़ाई जैसी काली। ठीक है, मानसी पूर्व दिशा में चलती रही। तेज धूप और गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगे। उसने देखा कि एक लड़का खेत में काम कर रहा है। सुनो, लड़का अपने थैले से पानी की बोतल निकालकर मानसी को देता है। मानसी को वह किसान लड़का पसंद आ जाता है। वह ईमानदारी से लड़के को जादुई मंगलसूत्र के बारे में सब कुछ बता देती है। इस मंगलसूत्र को जब तुम मुझे पहनाओगे तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। इस जादुई मंगलसूत्र की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे ही विवाह कर लेते हैं। मानसी उस लड़के के साथ विवाह करके अपने घर लौट आती है। उधर ज्योति पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। सब गरीब लड़के मिल रहे हैं, मुझे तो कोई अमीर लड़का चाहिए। बस एक बार कोई अमीर लड़का मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दे, फिर उससे ढेर सारी दौलत मंगवाऊंगी और ढेर सारा काम भी करवाऊंगी। रामनगर के एक बहुत बड़े सोना व्यापारी का बेटा बाजार में आया हुआ था। ये तो सोना व्यापारी सेठ हीरालाल का लड़का राहुल लगता है। अगर इससे मेरा विवाह हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। मुझे बस किसी तरह जादुई मंगलसूत्र उससे अपने गले में डलवाना होगा। राहुल जिस रास्ते से घर लौट रहा था, ज्योति उस रास्ते पर बेहोश होकर लेट गई। ए, उठो, तुम कौन हो और रास्ते में क्यों पड़ी हो? आज मेरी मृत्यु होने वाली है। क्या? हाँ, मुझे एक श्राप प्राप्त है जिसके तहत आज मेरी मृत्यु होनी है। मेरी जान बचाने का केवल एक ही तरीका है। क्या तरीका है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर कोई ऐसा लड़का जिसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हो मुझे ये मंगलसूत्र पहना दे तो मेरी जान बच सकती है। राहुल के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। इस मंगलसूत्र को तुम्हें पहनाने पर मेरा तुमसे विवाह तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो हमें देखे। बस तुम ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दो और फिर अपने घर चले जाओ।
राहुल जैसे ही ज्योति के गले में मंगलसूत्र डालता है, वह ज्योति के वश में हो जाता है। चल गधे, मुझे गोद में ले और मेरे घर तक छोड़ कर आ। राहुल ज्योति को गोद में उठाकर उसके घर पहुंच जाता है। सुन, अपने घर जा और ढेर सारा सोना लेकर आ। राहुल अपने घर से ढेर सारा सोना ज्योति को लाकर दे देता है। मुझे भूख लग रही है, अब खाना बना और मेरे कपड़े भी धो। ज्योति राहुल से रोजाना सोना मंगवाती और उससे गुलामों की तरह काम करवाती। ज्योति, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। माँ ने मना किया था ना कि जादुई मंगलसूत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तू चुप कर, तू अपने काम से काम रख। ज्योति ने मानसी की नहीं मानी और राहुल से खूब सोना चांदी और आभूषण मंगवाती रही। एक दिन राहुल के घर की नौकर ने सारी बातें राहुल के पिता को बताई। मालिक, छोटे साहब पता नहीं रोजाना ढेर सारा सोना चांदी कहाँ ले जाते हैं, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। राहुल के पिता ने एक दिन नौकर को राहुल के पीछे लगा दिया। नौकर ने पूरे दिन राहुल की दिनचर्या का अवलोकन किया और सारी बात जाकर राहुल के पिता को बताई। मालिक, छोटे साहब के ऊपर किसी लड़की ने काला जादू कर दिया है, वो उस लड़की के इशारों पर काम कर रहे हैं। व्यापारी ज्योति की शिकायत राजा से कर देता है। ज्योति को काले जादू के आरोप में पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती, या मैंने मानसी की बात ही मान ली होती तो मुझे जेल में नहीं सड़ना पड़ता। मुझे माफ कर देना माँ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मानसी अपना सब कुछ गिरवी रख कर जुर्माना चुकाती है और ज्योति को जेल से मुक्त कराती है। तो तुमने क्या सबक सीखा ज्योति? किसी भी अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गरीब आशा की दोनों बेटी माला और विद्या अब शादी की उम्र की हो चुकी थीं। आशा चाहती थी कि वो अपनी बेटियों की अच्छे घर में शादी करे। मैंने तुम दोनों को गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालना सिखाया है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों में से कौन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करता है। जो बेहतर होगा उसे मैं अपनी माँ के जादुई कंगन दूंगी। ये कंगन जिसके पास रहेगा उसे जीवन में बहुत धन दौलत और सुख मिलेगा। जादुई कंगन की बात सुनकर माला और विद्या दोनों ही खुश हो गए। मैं विद्या से बड़ी और बेहतर हूँ, ये कंगन तो मुझे ही मिलेगा। दोनों बहनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। विद्या बहुत स्वाभिमानी और मेहनती थी, वहीं माला कामचोर, मतलबी और ईर्ष्यालु थी। माँ ने घर के सारे काम जैसे खाना पकाना, सफाई, बर्तन, कपड़े दोनों बहनों में बांट दिए। जिम्मेदारी मिलते ही विद्या ने काम करना शुरू किया, लेकिन आलसी माला बस आराम करती रही। माला दीदी, मैं घर की सफाई करती हूँ, तब तक आप ये गंदे कपड़े धोकर सुखा दो। विद्या बहन, मेरे सर में बहुत दर्द है आज, ये काम तुम ही कर लो। विद्या काम करती रही और माला बहाने बनाकर सिर्फ आराम करती थी। ये सिलसिला पूरे एक महीने चला। विद्या दिन रात काम कर बहुत थक जाती और माला बस आराम फरमाती थी। एक महीने बाद आशा ने दोनों बेटियों को बुलाया। सिर्फ विद्या ने ही अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा किया और माला तुमने काम चोरी की, इसलिए यह जादुई कंगन मैं विद्या को देती हूँ। आशा का फैसला सुनकर माला को बहुत गुस्सा आया। जादुई कंगन पर मेरा हक है,
क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? जादुई कंगन की असली हकदार विद्या ही है। कुछ दिनों में आशा की बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया और उन्होंने विद्या और माला में से विद्या को चुना। हमने सुना है आपकी बेटी विद्या बहुत मेहनती और सरल है। हमने आपकी छोटी बेटी विद्या पसंद की है। विद्या की तारीफ सुन माला को बहुत जलन हुई। विद्या शादी कर अपने ससुराल चली गई। उसे ससुराल में ठाट बाट से रहता देख माला को और भी ज्यादा जलन होने लगी। जरूर माँ के उन जादुई कंगन की वजह से ही विद्या इतनी सुखी है। मैं वो कंगन चुरा लेती हूँ, फिर सारी खुशियाँ मेरे पास आएंगी। एक दिन मौका पाकर माला विद्या की अलमारी में रखे कंगन चुराने लगी। तभी वहाँ विद्या का पति और सास आ गए और उन्होंने माला को चोरी करते पकड़ लिया। तुम्हें विद्या बहू की अलमारी से सोना चुराते हुए शर्म आनी चाहिए। कैसी बहन हो तुम? माला शर्मिंदा होकर आंसू बहाने लगी। तभी विद्या ने वहां आकर बताया, माला दीदी ने कंगन नहीं चुराए हैं माँ जी, मैंने ही माला दीदी से वो कंगन ले जाने को कहा था। माला को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। माला, विद्या उस जादुई कंगन की वजह से नहीं बल्कि अपने गुणों की वजह से सुखी है, क्योंकि वो कंगन जादुई है ही नहीं, वो तो साधारण से कंगन है। लेकिन मैंने कंगन के जादुई होने की बात सिर्फ इसलिए कही कि उस लालच में ही सही पर तुम आलस छोड़कर काम करो, लेकिन तुमने आलस में कंगन गंवा दिए और बाद में अपनी ही बहन से जलने लगी। माँ, विद्या, मुझे माफ कर दो। इस कहानी से हमने ये सीखा कि इंसान को आलस और मेहनत में से हमेशा मेहनत का रास्ता ही चुनना चाहिए, क्योंकि मेहनती व्यक्ति ही अंत में सुखी रहता है।